रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? हम सब भी YouTube फैमिली, हम सब भी यहाँ खैरियत से हैं। चलें जी, आज आप कहते होंगे आज खाना बनाने से क्यों नहीं शुरू किया, तो आज हमने बनाया है गोभी गोश्त, जिसकी रेसिपी तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने इसको बनाया है आलू गोभी गोश्त। तो आप कहते होंगे ये आलू गोभी गोश्त क्या है, ये देखें बन गया है, सेम उस तरह ही बना जब गोभी डाली थी तो तब हमने आलू डाल दिए थे, सेम जो मेरी वीडियो है वो आपको पता चल देखी होगी आप सबने। तो आज मैंने इसमें आलू ऐड किए हैं क्योंकि मेरे बच्चे आलू गोभी शौक से खाते, गोभी गोश्त नहीं डालते, तो मैंने ऐसा किया कि इसमें मैंने गोभी के साथ आलू भी डाल दिए। ये देखें आपको मोटे मोटे आलू नज़र आ रहे होंगे, तो मैंने कहा चले आज ना वीडियो में, क्योंकि आज ना थोड़ा बाहर चली गई थी ग्रोसरी लेने और थोड़ा घर का काम था, तो फिर आके तो यही खाना बनाया क्योंकि रेसिपी शेयर नहीं कर सकी, तो वरना मैं आपके साथ आलू गोभी की भी रेसिपी शेयर करती। तो इसमें गोश्त भी है और गोश्त थोड़ा कम है, आलू ज़्यादा है, क्योंकि मेरे बच्चे ना आलू गोभी गोश्त मिक्स करके खाते हैं। तो ये देखें नज़र आ रहे होंगे आपको, मैंने कहा चलें सर्व करने के टाइम आप सबको दिखाती हूँ। और आपके साथ आज मैं अपनी जो शॉपिंग किया ना, शॉपिंग क्या किया, घर की चीज़ें ही नहीं है, ग्रोसरी वगैरह जो रूटीन का काम है, साथ में हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी तो नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी ऑफ़र हमें मिल गई तो हमने कहा कि हूँ ना आपके साथ शेयर की जाए। तो चलें अब हम ज़रा खाना खा लें, तो फिर आपको मिलते हैं खाने के बाद और अपनी थोड़ी सी शॉपिंग दिखाती हूँ, ठीक है? चले जी, खाना खा के हम फारिग हुए, मैंने कहा मैं आपको अपनी ना शॉपिंग थोड़ी सी दिखा दूँ। ये देखें अब हस्बैंड की ड्यूटी लगाई है। इमरान क्या कर रहे हैं आप जी? अस्सलाम वालेकुम, ये लहसुन बनाने की ड्यूटी लगाई हुई है, लहसुन कहती है जी पेस्ट बनानी है, लहसुन अदरक छील दें क्योंकि बेगम के हाथ खराब हो जाते हैं, तो हाथों का ख्याल रखना चाहिए। आपका भी बनाना, हाथ खराब हो गए तो बाद में फिर खाना नहीं मिलेगा सही तरह, तो फिर ये करना पड़ता थोड़ा सा। तो आप बताओ ना, मुझे एलर्जी हो गई थी एक बार, बहुत मसले हो गए थे, हाथ खराब हो गए थे, तो आप भी किया करें अपने वाइफ के साथ हेल्प किया करें, तो अच्छे अच्छे खाने भी मिलेंगे खाने के लिए, तो अच्छी अच्छी चीजें भी मिला करेंगी, नहीं करोगे तो फिर डंडे भी पड़ेंगे। आपको तो रोज पड़ते हैं ना, करना पड़ता है थोड़ा सा काम करें। ये देखें अब ये आधा घंटा लगेगा, ये लहसुन पूरा बना के देखें। अच्छा मेरे हस्बैंड लहसुन बनाते हैं, मजा है। ये पेस्ट बनाएंगे इसकी, तो पेस्ट भी इसकी जो है ना आपको बताएंगे कि कैसे लॉन्ग लाइफ रख सकते और ग्रीन नहीं होगी, हम वो भी आपको आइडिया देंगे, खराब नहीं होगी, वो एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है। हाँ, मतलब आप एक महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, लोग फ्रीजर में रखते हैं, मैं फ्रिज में रखती हूँ, वो एक टेक्निक है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। चले जी, मैंने कहा मैं आज ना व्लॉग ये बनाऊंगी कि आपको अपनी शॉपिंग थोड़ी सी दिखाती हूँ, किचन की लेके आई थी, चीजें खत्म हुई हुई थी बच्चों की, तो हम लोग सबसे पहले फाल्कन गए बच्चों के साथ, तो फिर ये इनके कपकेक के मोल्ड्स खत्म हुए हुए थे। ये देखें, ये एक नई चीज अच्छी लगी मुझे, ये क्या कहते हैं स्वीट्स के लिए ना, ये अब ट्रेज में आ गई है, पहले ये खाली होते थे बॉक्सेस, अब ये ट्रे के अंदर आ गया कि आप इसके अंदर चीज़ें कुछ भी फिलिंग कर लें, सेवइयां कर लें, मीठा कुछ भी, तो ये छोटी छोटी बॉक्स हैं इसमें डाल के, तो ट्रे समेत ना फ्रिज में रख दें, गिरने का खतरा भी नहीं। ये मैं जिस दिन रेसिपी बनाऊंगी ना जरूर शेयर करूंगी, मुझे ये बॉक्स बड़ा ही अच्छा लगा, तो मैंने एक ये बॉक्स ले लिया। देखें इसका ढक्कन भी अलग हो जाता है ऊपर से, और ये बच्चों के ग्लास हैं, किसी ये ग्लास लिए स्ट्रॉ बच्चे पीते हैं ना मिल्कशेक वगैरह, ये पाइपिंग बैग्स थे, मेरी बड़ी बेटी को बेकिंग का बड़ा शौक है, वो मेरे साथ हेल्प कराती है, ये स्ट्रॉज हैं, ये कुछ वो आप लोगों को पता ही है कि ये स्टैम्प्स हैं, ये ना मैं बनाती होती हूँ ना कपकेक्स, इसके ऊपर स्टैम्प्स लगाने के लिए बच्चों के लिए, बच्चे साथ गए थे फिर उन्होंने कहा हम लोग और अपनी अपनी मर्जी का लेना। ये कुछ पार्सल लाई हूँ मैं, बांटती हूँ ना चीज़ें, मतलब कुछ भी बना के, ये बच्चों ने देखे पॉपकॉर्न। हाँ ये अभी अगर से मोहरम आ रहे हैं तो फिर हम लोग बना के सब फ्रेंड्स वगैरह में मैं बांटती होती हूँ कुछ ना कुछ न्याज के लिए। ये मैं पार्सल वगैरह है थे कुछ खत्म हो गए थे, मैं नहीं लेके आई हूँ। और ये देखें ये बच्चों के लिए फ्राइज और पॉपकॉर्न वगैरह मैं इनको बना के देती हूँ ना, फिर बच्चे खुश हो जाते हैं, तो ये बॉक्स हैं बने हुए इनको खोल के, तो इसमें बच्चों को मैं जब करूँगी ना रेसिपियाँ बनाऊँगी भी साथ साथ आपको दिखाऊँगी भी। बड़ी वाली ने सिल्वर लिया, छोटी वाली ने गोल्डन लिया, ये उन्होंने अपनी मर्जी के लिए, ये लोग साथ ही गई थी, देखें थोड़ा टाइम लग गया, फिर कुछ ग्रोसरी, ये सारे ये पार्सल हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये देखें ये भी मैंने ना मोल्ड लिए कपकेक्स के लिए, इंशाल्लाह ये इसकी रेसिपी भी आपको दूंगी,
और ये जो मैं आपको बता रही थी ना अभी, ये जो ये है ये देखें, ये अलग ये भी डिफरेंट स्टाइल के मैं लेके आई। देखें इनके ढक्कन है और ये कप्स बने हैं। इसके अंदर आप सरइयां डाल लें, स्वीट डिश कुछ भी बना के ना, छोटी छोटी होटल्स में जाते हैं ना इस तरह ही देते हैं, तो मैं घर में भी बच्चों को ऐसे ही बना के ना फ्रिज में रख देती हूँ, फिर जितनी बच्चों ने खानी हो, खीर, कस्टर्ड, सेवइयाँ, लब्बे चीनी, कितना कुछ मीठा है, वो आप इसमें डाल के ना अरेंज करके फ्रिज में रख दें। ये ट्रे, ये तो मुझे ट्रे के साथ फर्स्ट टाइम नज़र आए हैं, वरना अक्सर ये ऐसे ही आते हैं। तो ये देखें ना, इसमें छोटे छोटे बॉक्स हैं, लगा के रख दिए, गिरने का खतरा भी नहीं है। तो और एक अच्छी चीज़ मुझे बड़ी मिल गई, तो अब मैं ये समेट के आपको दिखाती हूँ। हमें आज एक ऑफर मिल गई, वो आपको दिखाते हैं। ये बच्चों ने ये लिए हैं, ये सैंडविचेस के ऊपर लगते हैं, कपकेक्स के ऊपर लगते हैं, ये अपनी मर्जी से बच्चों ने लिए हैं। तो इंशाल्लाह रेसिपी जब बनाऊंगी ना, बच्चे डेकोरेट करेंगे, क्योंकि बेकिंग के लिए तो मेरी दोनों बेटियों को बहुत शौक है बेकिंग करने का, उनको बड़ी रेसिपियाँ भी आती हैं, वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलें मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। चलें जी, जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मुझे ऑफर में ये देखें, मैं तो लेने गई थी ग्रोसरी से ही पूछे, तो मुझे यहाँ ये सेट इतना अच्छा मिल गया रॉयल फोर्ट का सफारी में, वहाँ ऑफर लगी हुई थी, ये तो एक हिसाब से मुझे फ्री में ही मिल गया। तो इसकी हाफ प्राइस थी, तो प्राइस तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो यहाँ रहते हैं उनको तो पता ही होगा। तो ये देखें, ये इसके साथ हमें डिनर सेट हमें फ्री में मिला। ये देखें डिनर सेट, देख सकते हैं। उन लोगों ने बोला था कि इसकी ना एक घंटे के लिए ऑफर लगी थी, कि हम लोग तो वैसे ग्रोसरी लेने गए, वहाँ इतना रश था, हमने देखा क्या हो रहा है, तो वहाँ ये सेट पूरा लगा हुआ पतीलियों का, अभी मैं खोल के भी आपको दिखाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक तो इसकी हाफ प्राइस है, और दूसरा ये जो है ना डिनर सेट आपको 20 पीस वाला, ये देखें मेरे पास पहले भी है, जो मैं रोज़ खाना सर्विंग करती हूँ, इसमें प्लेटें भी हैं, 6-6 सारी प्लेटें हैं, बड़ी छोटी, फिर बाउल है, और राइस वाली जो बड़ी डिश है वो है। 20 पीस का मुझे फ्री में मिला, ये ऑफर थी रॉयल फोर्ट का। अगर आप लेंगे तो इसके साथ हमें आपको या डिनर सेट मिलेगा या प्रेशर कुकर मिलेगा, तो मैंने फिर डिनर सेट ले लिया, क्योंकि वो प्रेशर कुकर इंडिया के वो एक सीटी वाले होते हैं, वो मैं यूज़ नहीं करती। ये देखें, ये 20 पीस का मुझे साथ में फ्री मिला, मैं बड़ी खुश हुई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलें अब मैं ओपन करके आपको बताती हूँ। देखें बिल्कुल सील है, तो मैं अब आपको ओपन करके दिखाती हूँ, क्योंकि अब मैंने यूज़ करना है इसको किचन में। ऑफर बड़ी अच्छी माशाल्लाह मिल रही थी। चलें बच्चे बच्चे बड़े शौक से पैकिंग खोलते हैं, जोहा को शौक है बहुत शौक। ये देखें आदम बाबा भी आ गए हैं। ये देखें आदम ओपन करें, ये देखें चलें, ये देखें माशाल्लाह हमारा आदम भी आ गया वीडियो। ये देखें आदम, खोल के दिखाएं सबको क्या क्या है इसके अंदर। ये देखें पहले ये बॉक्स निकालेंगे, ये पूरा बॉक्स है अंदर, ठहरे मैं बताती हूँ आपको ना। चलें जी, ये देखें हम ओपन कर रहे हैं, आदम भी साथ अपने छोटे छोटे हाथों के साथ ओपन कर रहा है। आदम आप दो बॉक्स ओपन कर रहे हैं। चलें जी, ये देखें ये सॉस पैन है स्मॉल वाला, इसके साथ लिड, वो बॉक्स लाना उसके ऊपर रखी जाती है सारी चीज़ें, फिर सबको दिखाते हैं। ये देखें ये सबसे बड़ी वाली पतीली है, ये देखें इसका ढक्कन, ये देखें बड़ी पतीली है। आदम कह रहा है वाओ। चलिए ये सबसे बड़ी साइज की पतीली है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें सॉस पैन है चाय वाला, या जो भी कर ले कुकिंग में यूज कर ले, साथ में ये फ्राइंग पैन है, और ये इससे छोटी पतीली है, ये देखें, और ये देखें इसका ढक्कन ना, उसने बोला था कि फ्राइंग पैन के ऊपर भी आ जाएगा, ये देखें इसके ऊपर भी आ जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ, ये इसके साथ भी हो जाएगा और सेकंड वाली पतीली के साथ भी हो जाएगा, और ये है छोटी पतीली। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, ऐसी ऑफर मुझे कभी भी नहीं मिली, लेकिन पता नहीं कैसे आज हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें मिल गई अच्छी ऑफर, एक हिसाब से मैं फ्री में पड़ा। ये देखें, और ये साथ में सॉस पैन, ये चार कितने का पीस है, ये 9 पीस है। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, हमने अच्छी ऑफर उठा ली ना। चलें जी, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, अपना सब ख्याल रखिएगा और अपने हस्बैंड से लहसुन छुलवाएं। अल्लाह हाफिज़।